अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी 1 से 2 लाख हो और आप इंटरनेशनल एयरलाइन में काम करें तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अभिलाष एंड करंटली आई एम वर्किंग एज कैबिन क्रू। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। By subscribing my channel, it will motivate me to make more videos regarding cabin crew, ground staff, even for job interview. अगर आप एक aspirant cabin crew हैं, अगर आप अपना career aviation industry में बनाना चाहते हैं तो ये channel सिर्फ आपके लिए है। मैं हर हफ्ते 2-3 नई नई videos लेके आते रहता हूँ regarding cabin crew, ground staff, for the job interview. So I request you please subscribe my channel. So Qatar Airways has started their hiring for cabin crew again, especially for Indian subcontinent. अगर आप interested है Qatar Airways में काम करने के लिए for cabin crew, तो I think you should apply for this job. And बहुत सारे aspirants थे, बहुत सारे ऐसे candidates थे जिन्होंने last time apply नहीं कर पाए थे because of their schedule or because of some work. So अभी आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम क्वाइट एक्टिव ओवर देयर। इंस्टाग्राम का जो मेरा आईडी है, जो मेरा लिंक है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा। आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम में मैं आए दिन हर नई स्टोरीज डालते रहता हूँ रिगार्डिंग जॉब अपडेट्स, देयर इंटरव्यू। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कतर एयरवेज के रिगार्डिंग। कतर एयरवेज मिडिल ईस्ट की एक इंटरनेशनल एयरलाइन है। कतर एक कंट्री है एंड दोहा उसकी कैपिटल है। अगर आप सिलेक्टेड हो जाते हैं कैबिन क्रू की प्रोफाइल के लिए तो जो आपकी जॉब लोकेशन होगी, जो आपका बेस होगा, वो दोहा होगा। दोहा से ही आपकी सारी फ्लाइट्स आप ऑपरेट करेंगे। तो आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे तो टू बी ऑनेस्ट, कतर एयरवेज इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं खुद एक कैबिन क्रू रह चुका हूँ कतर एयरवेज का एंड फॉर लास्ट 5-6 ईयर्स इट हैज़ बीन विनिंग बेस्ट एयरलाइन द वर्ल्ड। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लार्ज नंबर में कतर एयरवेज के पास एप्लीकेशंस आती हैं, चाहे वो कैबिन क्रू की पोस्ट हो, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ की हो, चाहे वो इंजीनियर डिपार्टमेंट से हो, चाहे वो कैप्टन या पायलट की पोस्ट हो। एंड इंस्टाग्राम फेसबुक पे मुझसे बहुत सारे कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि कतर एयरवेज कैसी एयरलाइन है, इसका जो इंटरव्यू होता है इज इट क्वाइट डिफिकल्ट और नॉट। तो टू बी ऑनेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल, इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क। मैंने जब अपने कतर एयरवेज का इंटरव्यू दिया था, मैंने 2-3 बार इंटरव्यूज दिए। जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था तो मैं रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद मैंने सेकेंड अटैम्प्ट भी ट्राई किया। तो इट डिपेंड्स ऑन योर प्रिजर्वेरेंस। आप जितना हार्ड वर्क, जितना आप पैशंस के साथ इंटरव्यूज देंगे, आपके उतने चांसेस होंगे सिलेक्ट होने। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जॉब अप्लाई करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी क्वालिफिकेशन की। आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 12th पास होनी चाहिए, 10+2, यानी कि 12th पास। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या अगर आप फाइनल ईयर में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, डजेंट मैटर। बस आपको अपने CV में, आपको अपने जॉब एप्लीकेशन के टाइम में आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो आपके पास बैचलर की है या मास्टर्स की है या सिर्फ आप 12th पास हैं। तो बेसिक जो क्वालिफिकेशन है इस पोजीशन के लिए, इस वैकेंसी के लिए, वो सिर्फ 12th पास है। इसके बाद बात करते हैं अबाउट ग्रूमिंग। सी, कतर एयरवेज इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट ग्रूमिंग। आपका जो फेस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, कोई स्कार टैटू नहीं होना चाहिए। बहुत सारी एयरलाइंस होती हैं वो टैटू अलाउड करती हैं अगर वो यूनिफॉर्म में विजिबल नहीं है, बट फॉर कतर इट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। अगर वो टैटू आपके किसी बॉडी पार्ट पे है जो विजिबल है ही नहीं, फिर भी कतर एयरवेज आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर देगा। और आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आपने वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं करी है तो आप इंटरव्यू के टाइम पे आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, जब आप कतर चले जाओगे, आपके वहाँ पे मेडिकल्स होते हैं, तो उस मेडिकल के टाइम में आपका पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। एंड मैंने ऐसे बहुत सारे क्रू देखे हैं अपने साथ के, जिन्होंने बहुत चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी थी इंटरव्यू के टाइम पे, एंड जब वहाँ जाके वो डिस्क्लोज हुई, उनको टर्मिनेट कर दिया गया। सो इट्स बेटर कि आप चीज़ें पहले ही डिस्क्लोज करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर कम्युनिकेशन स्किल्स। योर कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी गुड एंड यू शुड बी फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंट होनी चाहिए, चाहे वो रिटन हो, चाहे वो स्पीकिंग हो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई दूसरी लैंग्वेज की नॉलेज है, चाहे वो फॉरेन लैंग्वेज हो, चाहे वो रीजनल लैंग्वेज हो, आपको वो चीज़ ज़रूर मेंशन करनी चाहिए आपके रेज्यूमे में। वो आपके लिए एक एडवांटेज पॉइंट होगा ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। लेट्स टॉक अबाउट योर हाइट। आपकी जो हाइट है कतर एयरवेज में, जो आपकी हाइट चेक की जाती है वो आपके 212 सेंटीमीटर के बेसिस पे चेक की जाती है। इट मीन्स आपको अपने टो पे खड़ा होना होगा एंड वॉल पे एक मार्क होगा 212 सेंटीमीटर पे, तो आपको वो मार्क टच करना है।
इस तरीके से आपकी हाइट चेक की जाती है कतर एयरवेज के टाइम पे। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं, जो ये क्राइटेरिया जानने के बाद ही आप अप्लाई करें। सबसे पहले इन शॉर्ट में समरी में आपको समझा देता हूँ, आप 10+2 होने चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश लैंग्वेज में आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, आपका जो फेस है, आपके जो रिस्ट है, उस पर कोई स्कार, कोई मार्क, कोई टैटू नहीं होना चाहिए, एंड जो आपकी हाइट वेट है प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, आपका जो वेट है वो लिमिटेड होना चाहिए, फिट होना चाहिए, एंड जो आपकी हाइट है आप इजीली 212 सेंटीमीटर पे रीच होने चाहिए। तो ये कुछ बेसिक क्राइटेरिया हैं, अगर आप इन बेसिक क्राइटेरिया में आते हो तो यू कैन ईजली अप्लाई फॉर दिस जॉब, यू आर गुड टू गो। बात करते हैं कि आप इस एप्लीकेशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इस जॉब एप्लीकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दूंगा, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है। अगर आपने कतर एयरवेज के पेज पे अपनी आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आपको अपनी आईडी रजिस्टर करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन में भी सिर्फ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, जैसे योर ईमेल एड्रेस, योर डेट ऑफ बर्थ, योर पासवर्ड, योर यूजर नेम। उसके बाद आपकी एक आईडी जनरेट हो जाएगी। आईडी जनरेट होने के बाद आप ये जॉब एप्लीकेशन पे क्लिक, जो लिंक है इस पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपसे जो जो फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, आपसे जो इन्फॉर्मेशन, आपसे डिटेल्स मांगेगा, आपको बस वही फिलअप करनी। एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो आपका CV है वो वेल प्रेजेंटेबल होना चाहिए। सेकंड, जो अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करोगे, आपसे एप्लीकेशन एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक फुल लेंथ फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो मेक श्योर कि आप अच्छे फोटोग्राफर के पास जाके, अच्छे जो स्टूडियोज़ होते हैं, डिजिटल स्टूडियोज होते हैं, वहाँ से आप एक अपनी फॉर्मल फोटोज क्लिक करें, एंड पीछे का बैकग्राउंड या तो वाइट हो या लाइट ब्लू होना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इफ़ यू वॉन्ट टू शेयर योर एक्सपीरियंस, यू कैन शेयर योर कमेंट इन माई कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे सेफ, सी यू ऑन बोर्ड।